पत्नी का आशीर्वाद, यही प्रार्थना हमारी है, हमारी टीम की है। अब माइक हम आपके हाथों में देंगे। पावन अवसर पर रुद्राक्ष जन कल्याण फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज व्यवस्था जो माँ के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है, सर्वप्रथम मैं जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नत होकर के सादर पांव में वंदन करता हूँ। आज इस नवरात्र के नवमी की तिथि पर आप लोगों ने अपने एक भाई को बुलाया, अपने घर में बुलाया, ये अपना घर है। और आज का दिन सिद्धदात्री का दिन होता है। माँ सिद्धदात्री आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। और माँ शैलपुत्री से लेकर के आज तक आप लोगों ने अहर्निश माँ की सेवा किया है, माँ ने उसको निश्चित रूप से ग्रहण किया है। आपकी सारी सूची मनोकामना पूर्ण हो, इसी के साथ मैं माँ के चरणों में पुनः वंदन करता हूँ। तत्पश्चात रुद्राक्ष जन कल्याण फाउंडेशन के यहाँ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं पूरे विकास खंड की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं कि आप लोगों ने निश्चित रूप से एक बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत जो ये सनातन धर्म का उत्थान करने का प्रयास किया है, आप बधाई के पात्र हैं। माँ के चरणों में इस रोग के माध्यम से आपको ये कहते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करूं रूपम दे जय ने से दिशे जाए, आपको ये सब प्राप्त हो। या श्रिय स्वयं कृत नाम भवने सु लक्ष्मी पापात्मना कृत दिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस लज्जा ताम त्वाम नता अस्म परिपाल पाहि विश्वम। इस कल्याण के लिए आप लोगों ने जो कार्य किया आप बधाई के पात्र हैं। और विश्व के कल्याण के लिए जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है वसुधैव कुटुंबकम की, तो माँ के सनातन धर्म में हमारे मनीषी माँ ने ये पुनः माँ सरस्वती के और माँ पार्वती के माध्यम से था, देव प्रपन्नार्थे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतो अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वचर पाहि विश्वम तुम्हें श्री देव चराचर। आप चराचर में विद्यमान है माता, आप सबकी मनोभावनाओं को जानती है माँ, और ऐसे बालक आपके बीच में छोटे बालक के रूप में हम लोग उपस्थित हैं, तो आप हम सबकी मनोकामना को समझते हुए अपनी भक्ति को प्रदान करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे माता जी। और आपसे यही हम विनती करते हैं कि ये बच्चे सदैव उत्साहित होकर के आपकी सेवा ऐसे करते रहें, आने वाले सनातन के जो हमारे बालक हों आपका पूजा स्मरण करते हुए धर्म का उत्थान कर सकें, ये आपसे माता रानी मैं विनती करता हूँ। मैं भी आपका अनुनय भक्त बहुत ही भक्त हूँ, आपके चरणों में सदा नमन करता हूँ। सदैव सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परम मोक्ष स्तुति ताना कुंजरे, अर्थात ऐसा आप सौभाग्य प्रदान करें कि इनके सामने कितने विरोधी भी आवे लेकिन वो आप अपने मन से अपने दिव्य चक्षु से उन सारे शत्रुओं का भी नाश कर दें, कि धर्म के कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न करने वाला हो तो उसको आप पूरा करते चले चले माँ। और आज हम आपके बीच में इस महाकाली काली चौरा कहा जाता है डी बाबा का ये स्थल है, मैं डी बाबा के स्थल पर आकर के यहाँ के डी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ कि आपने यहाँ पर निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति है जो कि यहाँ पर प्रेरित करने का काम किया आप लोगों को, और आप लोगों ने मुझे बुलाया। व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी, फ़ोन से वार्ता हो रहा था, मेरी परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, लेकिन मैं बराबर ही सोचता था कि ये बच्चे निश्चित रूप से बहुत ही धर्मात्मा किस्म के हैं और बहुत ही आगे ले चलने के लिए समाज को प्रेरित हैं। और वहीं से मैं अपने चक्षु ज्ञान को खोला, माँ के स्मरण किया कि बच्चे जिस प्रकार से हों माँ मुझे ऐसा अनुमति दीजिए मैं वहाँ पर जा सकूँ, और ये माँ के ही प्रेरणा थी कि मैं यहाँ पर आया।
और ना मेरी किसी से यहाँ से मुलाकात थी आने के लिए, केवल फोन से था और फोन से मैं यहाँ पर आ सका। इसके लिए मैं माँ को भी धन्यवाद देता हूँ, आपके साथ माँ को, कि माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है, इसलिए माँ के लिए यहाँ कुछ किया जा सके। माँ मुझे शक्ति दे, आपके बीच में आया हूँ। आपकी जो सोच है, आपके फाउंडेशन की जो सोच है, आपके एग्रो की जो सोच है, आप अलग बैठेंगे, जो मेरे लाइफ सेवा होगी उसको मैं निश्चित रूप से यहाँ से लेकर जिलाधिकारी या डीएम या डीपीआरओ से वार्ता करता रहूँगा। और एक वचन और देता हूँ, आप लोग उसको जरूर कहें या ना कहें, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप स्थल देंगे तो मैं यहाँ पर एक मिट्टी पटवा कर इंटरलॉकिंग जरूर लगवा दूंगा। ये यहाँ पर आकर के जैसे माँ और हमारे देव, यहाँ के देव बाबा ने जो कहा वो मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर हमें जगह दे देंगे, जगह बहुत कम है, हालांकि नीड टाइप का है, अगर यहाँ जगह देंगे तो मिट्टी पट करके हमें इंटरलॉकिंग भविष्य में लगवा दूंगा। अगर मध में होगा मैं उसको अपने विशेषज्ञों से बात करके उसको देखूंगा, जो हमारे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूँ उसको मैंने बताया, और शेष आप अलग मुझसे बात करेंगे तो जो संभव हो सकेगा मैं उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ की जो साड़ी भान प्रतापगढ़ की जनता है निश्चित रूप से पूर्ण आध्यात्मिक है। यहाँ की जनता तो मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, यहाँ पर हमारी माताएं भी बैठी हैं, यहाँ बहनें भी आई हैं, बच्चियाँ आई हैं, सब दुर्गा स्वरूपिणी हैं। आप सबके हृदय में विद्यमान उस माई को, उस माता को मैं नमन एवं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सारी बच्चियों को और सारी माताओं को प्रणाम करता हूँ। और आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग सदैव इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आप सब मातृ स्वरूपिणी हैं। या देवी सर्वभूत शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते सही नमस्ते सही नमस्ते सही नमः, आप में शक्ति वास करती है। या देवी सर्वभूतेश मातृ रूपेण संस्था नमस्ते सही नमस्ते सही नमस्ते सही नमो नमः, आप में जो है मातृ रूप भी है, आप में हर प्रकार का रूप है, इसलिए हर रूप में आपको देखा जाता है। आप मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं जो बोल रहा हूँ ये इसको मैं कर सकूँ, ऐसा साहस दें आप लोग। और निश्चित रूप से अगर सबका आशीर्वाद होता है तो कार्यपूर्ण होता है। और मैं इसी ऊर्जा के साथ ब्लॉक में चुनाव लड़ने आया था, ब्लॉक की पूरी जनता ने मुझे अहर्निश योगदान देकर के, अपना आशीर्वाद देकर के मात्र डेढ़ दिन में चुनाव जिताया है, तो माँ की ही कृपा रही, यहाँ के पूरे ब्लॉक की जनता की बहुत ही बड़ी कृपा रही कि डेढ़ दिन में चुनाव सुविधा ब्लॉक जैसी स्थितियों में जिताए हैं। इसके लिए पूरी जनता को, ब्लॉक की जनता को, विशेष रूप से आज साड़ी की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद रहा। भविष्य में भी आपका जो आशीर्वाद रहेगा निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा, आगे आपका आशीर्वाद लेता रहूंगा। इसी के साथ सभी लोग माँ के इन जो कृत्य हैं आप लोगों ने 9 दिन में विभिन्न प्रकार से यहाँ के हमारे वक्ताओं के द्वारा सुने होंगे, वीडियो के माध्यम सुने होंगे, विभिन्न प्रकार के सुने होंगे, और धर्म के क्षेत्र में आप रहे हैं, इनका जो भी चीज रहा है उसका भी अनुसरण करने का एक प्रयास करें, जो कि कर्तव्य निष्ठा का हमारा अवलोकन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो भी चीजें आपने देखा, धर्म पर जो अधर्म पर धर्म की जीत आपने देखा, अधर्म पर माने अन्यायी जो होगा उसके लिए माता जी ने न्याय दिलाने का कार्य किया, और जिन्होंने अधर्म का कार्य किया है वहां पर आपने धर्म की स्थापना किया है, जिन्होंने असत्यता का पालन किया है माता ने उसको नष्ट करके सत्यता का पालन कराने का प्रयास किया है। और आप समझिए इन सारी बातों का अवलोकन करते हुए जहां जहां भी हमारे अधर्म आए हैं वहां माने अवतार लेकर के सारे दुष्टों का नाश किया है, इसी प्रकार से इस सारी बातों को आप ग्रहण करते हुए मन मस्तिष्क में रखते हुए सारी जनता के, हमारे छोटे बच्चे हैं आने वाले दिनों में बड़े होंगे, बच्चे ही हमारे भारत के भविष्य होते हैं, विश्व की धरोहर है, तो ये सारी चीजों को आप रखिए। जहां गलत चीजें का उत्थान हो रहा है वहां तोड़ने का प्रयास करिए। डेवलपिंग आप गुड हैबिट एंड ब्रेकिंग आप बैड हैबिट होनी चाहिए, अर्थात आपकी आदत अच्छे में हो और कोई बुरा कार्य कर रहा है उसको तोड़ने का प्रयास करिए, और डेवलपिंग ऑफ गुड हैबिट आप अपने में अच्छा सुधार करिए। इसी के साथ मैं आप सबसे पुनः आशीर्वाद लेता हूं, और मुझे आज कई कार्यक्रम में जाना है। बहुत अच्छा लगा, आप सारे यहां पे आयोजक का मैं नमन वंदन करता हूं, सारे लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया मैं इसका आभारी हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देते हुए माँ के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपने सिर को झुकाते हुए आपसे प्रणाम करता हूँ कि आप आशीर्वाद देना। धन्यवाद। भारत माता की, जगत जननी जगदम्बा की, माँ विंध्यवासिनी की, माँ मयूरवाली की, सादर प्रणाम।